देख रहे हैं एंटी नेशनल। सरकार की नई अनाज मंडी में आज किसानों ने सरसों की खरीद ना होने के विरोध में मार्केट कमेटी कार्यालय पर धरना व रोष प्रदर्शन किया। किसान सभा के राज्य से वित्त सचिव प्रदीप सिंह ने कहा कि आज जो किसानों की विभिन्न फसलों पर जो शर्तें लगाई गई है जिनकी वजह से खरीद नहीं हो पा रही उसको लेकर किसानों में भारी रोष है। किसान सभा ने आज हिसार की नई अनाज मंडी में इसी बात को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। हम यहां के उपायुक्त और दूसरे अधिकारियों को ज्ञापन भी दे चुके हैं। आज किसानों में जो सरसों की फसल पर भिन्न भिन्न शर्तें लगाई हैं जिसकी वजह से खरीद नहीं हो पा रही है उसको लेकर बहुत भारी रोष है और किसान सभा ने यहाँ हिसार अनाज मंडी में इस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। हम यहाँ के उपायुक्त और दूसरे अधिकारियों को ज्ञापन भी दे चुके हैं। हमारा ये कहना है कि जिस तरीके से सरसों खरीद पर शर्तें लगाई हैं और चंद सेंटर जो हैं कुछ ही केंद्रों पर हरियाणा में खरीदने की बात हुई है उसके चलते किसानों की फसल की बिक्री हो जाना बहुत मुश्किल है। हम ये मांग करते हैं कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस पर गेहूं की तरह हर दुकान पर सरकार जो है फसल की खरीद करे और अगर ऐसा सरकार नहीं करती है तो किसान अपना आंदोलन और तेज कर दे। सभा के जिला सचिव सुवेद सिंह बुरा ने बताया कि आज का जो धरना प्रदर्शन है किसानों की एक क्विंटल तो बहुत दूर की बात है, एक मुट्ठी भर भी सरसों की खरीद सरकार द्वारा नहीं की गई और ना ही इनकी खरीद की कोई नियति है। किसानों की फसलों का एक एक दाना भी खरीदने की सरकार की मंशा नहीं है। आज का ये जो धरना है प्रदर्शन है किसानों की एक क्विंटल तो बहुत दूर की बात है, एक मुट्ठी सरसों भी नहीं खरीदी गई यहाँ के प्रशासन द्वारा, नहीं इनकी खरीद की कोई नीयत है। पहले हमारे मूंग को और बाजरे को लुटवा इस सरकार ने व्यापारियों द्वारा, आज किसान की सरसों को लुटवाया जा रहा है। हम इस लूट को कितने दिन तक सहन करेंगे ये हमारे कंट्रोल से बाहर की बात होगी। हम ये बता देना चाहते हैं कि किसान सभा अपना एक एक सरसों का दाना इस सरकार की आगे ना कुछ नहीं सब आके चाहे हमें कुछ भी करना पड़े हम अपनी खरीद पूरी कराएंगे। समर्थन मूल्य जो इन्होंने हम मांग कर रहे सरसों की 6,000 की फसल किसान को मिले, स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से 4,000 का भाव इन्होंने निर्धारित करा है वो भी जो है क्या किसान को नहीं मिल रहा, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस किसान का, इस प्रदेश के आम जनता का, मजदूर का क्या होगा। किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार जल्द से जल्द किसानों की सरसों की फसल की खरीदारी नहीं करेगी तो किसान आने वाली 26 मार्च को अनिश्चितकाल धरना करेगा। हिसार से एंटी नेशनल के लिए प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं एंटी नेशनल, खबर वही जो हो सही।